Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our social science class. In this class, we will study the chapter 25, India Government. हमारे इंडिया की जो government है, जो सरकार है, उसके बारे में हम इस chapter में study करेंगे. A government has three main functions. Government के तीन main functions होते हैं. It makes laws, that is, it makes rules. गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है, मीन्स कानून बनाती है. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाती है. इट एनफोर्सेस, दैट इज इट एनफोर्सेस लॉज, दैट इज इट मेक्स अरेंजमेंट्स सो दैट द रूल्स कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस. और वो फिर इन लॉज को वो एनफोर्स करती है, मतलब लागू करती है, ठीक है. और वो अरेंजमेंट बनाती है, ऐसे अरेंजमेंट सेटअप करती है कि ये रूल्स को सभी फॉलो करें, ठीक है. देन थर्ड वन है, इट गिव्स जस्टिस, दैट इज सॉल्व्स एनी कंप्लेन और क्वेरल. थर्ड है कि वो जस्टिस देती है गवर्नमेंट हमें, और वो मतलब किसी भी की कोई कंप्लेन है, किसी को कोई परेशानी है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो उसे भी सॉल्व करने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी डन एट एनी वन प्लेस फॉर द एंटायर कंट्री, सो दीज फंक्शंस आर डन एट टू लेवल्स, दैट इज सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल. इंडिया जो हमारी बहुत बड़ी कंट्री है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी की प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक ही जगह सॉल्व हो जाए, या किसी को कोई दिक्कत है तो वो एक ही जगह जाके सॉल्व कर लें. तो इसके लिए गवर्नमेंट दो जगह, उसके फंक्शन जो है वो दो जगह पे हैं मेन, जैसे कि एक सेंट्रल लेवल पे है और एक स्टेट लेवल पे है. दस देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इसलिए हमारी कंट्री में टू टाइप्स की गवर्नमेंट है, वो कौन कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है. अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है. लेट अस अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट बाय एन एग्जांपल, मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स. अब देखो यहाँ पे हम गवर्नमेंट के जो भी जो थ्री मेन फंक्शंस हैं उनको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पे मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जो मिड डे मील्स, मतलब जो लंच के टाइम जो खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को, वो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. तो सबसे फर्स्ट, इट मेक लॉज. अब कैसे लॉ बनाया ये, द गवर्नमेंट मेड अ लॉ दैट मिड डे मील्स विल बी सर्व्ड टू ऑल प्राइमरी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स. क्या लॉ बनाया कि गवर्नमेंट जो है वो मिड डे मील्स प्रोवाइड करेगी प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है. अब इट एनफोर्सेस लॉ, सेकंड क्या है, अब वो लॉ को एनफोर्स कर रही है, मतलब कानून को लागू कर रही है. तो गवर्नमेंट मेड अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड राशंस एंड अदर फैसिलिटीज टू स्कूल सो दैट मिड डे मील्स कैन बी गिवन इन स्कूल. अब गवर्नमेंट क्या करती है, राशन का अरेंजमेंट करती है, मतलब खाने का जो भी उनको सामान जरूरत रहती है मिड डे मील के लिए, उस सब का अरेंजमेंट स्कूल्स में करती है. तो क्या हो गया, वो उस लॉ को वो एनफोर्स कर रहे हैं, मतलब उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए, ठीक है. लॉ तो उन्होंने बना दिया कि वो स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाएगा, फिर अब उसको मिड डे मील को कैसे दिया जाएगा, तो उसका पूरा अरेंजमेंट कैसे होगा, तो वो अरेंजमेंट सब गवर्नमेंट करती है, ठीक है. नाउ इट गिव्स जस्टिस, अब जस्टिस कैसे देती है. इन सम स्कूल्स मिड डे मील्स वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, दे कंप्लेंड एंड सो दे वर आल्सो गिवन फैसिलिटीज फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी मिड डे मील्स टू स्टूडेंट्स. अब कुछ स्कूल्स में क्या होता है, जो मिड डे मील्स जो फूड दिया जाता है वो क्वालिटी वाला नहीं होता है, ठीक है. तो उनकी फिर कंप्लेन कर दी जाती है, तो उन पर या तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं या फिर उनको कुछ उनको क्वालिटी वाला मिड डे मील प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से गवर्नमेंट लॉज बनाती है, फिर उन्हें एनफोर्स करती है, और अगर कोई उन लॉज को उनका कोई वायलेशन करता है, जैसे या उनको रूल्स को तोड़ता है, तो उनको पनिशमेंट भी मिलता है, और वो मतलब उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जो कुछ भी मतलब लॉ में है वो उनके साथ किया जाता है, ठीक है. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द होल कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो कि पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है. इट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस किस से मिलके बनी है, एक तो प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से और पार्लियामेंट यानी संसद से, ठीक है. प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड होता है, ठीक है.
और वो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी माना जाता है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरी गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन स्टेट्स, इट वर्क्स फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेट, इट कंप्राइजेज द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द विधानसभा। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट के लिए होती है जो अपनी अपनी स्टेट के लिए काम करती है, और इसमें गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं और विधानसभा होती है। नाउ मेकिंग लॉज, अब लॉ कैसे बनता है देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री, द पार्लियामेंट कंप्राइजेस टू हाउसेज, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट जो है वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, कानून जो भी है, कोई भी रूल है, तो वो कौन बनाता है, वो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में टू हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अ बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ दीज हाउसेस, अ बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस इट। देखो, बिल, एक बिल होता है जिसपे लॉ वो लिखा रहता है, तो वो दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी रहता है, मतलब दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं उनका कंसेंट होना चाहिए, मतलब मेजर कंसेंट उनका होना चाहिए कि हाँ ये कानून ठीक है, ये हम बना सकते हैं। जब वो दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो जाता है, फिर उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो जब प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देता है तो वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, यानी कानून बन जाता है, ठीक है। The Parliament makes laws on important subjects such as national highways, defense, external affairs, currency, finance, railways, etc. Parliament जो है वो अलग अलग subjects पे वो bill बनाती है, जैसे कि कुछ national highway बनाना है, defense के लिए, marketing के लिए, external affairs के लिए, मतलब foreign से जो relations हैं कभी उनके लिए, कभी currency से related, तो हर एक एक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वो लॉज बनाती हैं, ठीक है। द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर्स होते हैं, और वो किसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं, लोग बागों के, तो पीपल के थ्रू, मतलब जनरल लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। एनी इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 25 ईयर्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू बिकम अ मेंबर। कोई भी इंडियन सिटीजन जो 25 एज से अबव हो वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। मोस्टली दीज मेंबर्स बिलोंग टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी, और फिर उनमें से मोस्टली जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल कुछ ना कोई ना कोई सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। एनी पार्टी विच कैन गेट द सपोर्ट ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब जो भी पार्टी जिसे आधे से ज़्यादा बहुमत मिल जाता है वो पार्टी की क्या बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। द लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, और इनका जो लीडर होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर, और लोकसभा का टेन्योर मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। द राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये इनडायरेक्टली सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर, इसका टेन्योर क्या होता है, 6 ईयर्स होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, और इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं, न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पे न्यू मेंबर्स का इलेक्शन होता जाता है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट देखिए, ईच स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर कॉल्ड विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। पीपल इलेक्ट इट्स मेंबर फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, इसमें भी 5 ईयर्स के लिए उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और एज द चीफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट क्या करता है, जो मेजोरिटी पार्टी मतलब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है वो उस पार्टी में से किसी एक बंदे को इलेक्ट करता है, किसके लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए। अब विधानसभा मेक्स लॉज फॉर द स्टेट सब्जेक्ट्स, विधानसभा जो होती है वो किसके लिए लॉज बनाती है, स्टेट सब्जेक्ट मतलब जो हमारे स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम है उसको रिलेटेड वो लॉज बनाती है, जैसे कि रोड्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, तो इन सब के लिए वो लॉ बनाती है, ठीक है।
Now enforcing laws. The laws are like rules. Laws किसकी तरह होते हैं? Rules की तरह. मतलब स्कूल में भी आपने देखा होगा आपके कुछ specified rules होते हैं कि आपके लाइन में जाना है तो आपको एक बेंच पे दो ही स्टूडेंट बैठेंगे. तो स्कूल के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं. तो ये सब कौन फॉर्म करता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. जो भी डिपार्टमेंट का हेड है वो सब ये रूल्स सेट करता है. दिस फंक्शन इज डन बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर विच कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सब मिनिस्टर. अब क्या होता है, लॉज जो होते हैं वो रूल्स की तरह होते हैं और उन्हें प्रैक्टिस में लाने के लिए ये सब काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंस में. ठीक है, और सब और दूसरे मिनिस्टर्स भी साथ रहते हैं. डिफरेंट मिनिस्टर लुक आफ्टर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट. अलग अलग मिनिस्टर होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के. जैसे कि फॉरेन अफेयर्स के लिए फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवेज के लिए रेलवे मिनिस्टर है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर है. ठीक है, तो हर एक एक डिपार्टमेंट के हर एक एक मिनिस्टर होते हैं. A large number of officers and other workers work in these ministries and departments. अब कई सारे officers, कई सारे workers इन ministries में department में work करते हैं. In these, in the states, laws are enforced by the chief minister and his councils of minister. और states में laws कैसे apply होते हैं? Chief minister से और उसके जो भी council of minister होते हैं उनसे. ठीक है, नाउ गिविंग जस्टिस. अब देखिए जस्टिस कैसे देते हैं. द देयर आर कोर्ट्स ऑफ लॉ इन अवर कंट्री टू गिव जस्टिस टू पीपल. हमारे यहाँ कोर्ट्स ऑफ लॉ है, मतलब कानून के जो कोर्ट हैं तो उनके थ्रू हमें क्या मिलता है? जस्टिस मिलता है, मीन्स न्याय मिलता है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ. जो हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है लॉ का. इट वर्क्स फॉर द एंटायर कंट्री. इट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. और वो पूरी एंटायर हमारी कंट्री के लिए काम करता है. और वो कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों? न्यू दिल्ली में. देर आर हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स, दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स. और हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है, वो स्टेट के लिए होता है. ठीक है, तो वो हर एक एक स्टेट में सिचुएटेड है. ठीक है, देर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट. और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है. ठीक है, देर आर लोअर कोर्ट्स इन स्मॉल टाउन तहसील. और तहसील में लोअर कोर्ट्स होते हैं. तो मतलब हर एक डिवीजन के अकॉर्डिंग कोर्ट्स और कोर्ट्स बनाए गए हैं. ठीक है, और केस जनरली स्टार्ट्स एट द लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. केस सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होगा? जैसे आप अगर किसी तहसील में रह रहे हैं तो तहसील कोर्ट से आप स्टार्ट करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप किसी भी केस को स्टार्ट कर सकते हैं. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है लोअर कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. अगर फिर भी उसे हाई कोर्ट में भी उसको सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो क्या कर सकता है? फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजल्ट दे दिया है तो उसको उन्हें मानना ही पड़ेगा. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जो उनको रिजल्ट मिल गया, ठीक है, जो भी उनका जस्टिस होगा, जो कुछ भी होगा, फिर वो उसको मानना ही पड़ेगा. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है. जो सुप्रीम कोर्ट कह दे वही हमारी कंट्री में होगा. ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को आप सभी पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो सभी इसको रीड करके इसका मीनिंग समझिएगा. अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं और अपना वर्क कंप्लीट करिएगा. ठीक है, अब ये बताइए कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट का नेम क्या है. तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट का नेम है, अभी करंट में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद. और प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? मिस्टर नरेंद्र मोदी. और चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे स्टेट के? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान. ये सभी को पता होना चाहिए. ठीक है, तो सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करना. थैंक यू सो मच एवरीवन.